गिलगित बल्तिस्तान को पूरी आइनी सूबा बनाने का मामला आजकल हर महफिल में मौजूए बहस है। इस मामले को लेकर सियासी और समाजी हलके मुख्तलिफ अंदाज से सवालात उठा रहे हैं। जिनमें चंद बुनियादी सवाल ये हैं कि यह बुरी सूबा है क्या, आइनी और कानूनी सूबे से ये किस हद तक मुख्तलिफ है, क्या अबूरी सूबा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की जुमला महरूमियों का हल है, और अबूरी सूबे के मुतालबे और करारदाद की मंजूरी से क्या गिलगित बल्तिस्तान के लोग मुतमईन होंगे। अबूरी सूबे की बजाय गिलगित बल्तिस्तान की मुतनाज़ा हैसियत को तस्लीम करते हुए क्या यहाँ आज़ाद कश्मीर तर्ज पर हुकूमत बनाई जा सकती है, गिलगित बल्तिस्तान में आइनी मुकम्मल या अबूरी सूबा या आज़ाद कश्मीर तर्ज की हकूमत में से कौन सा मुनासिब तरीन है, और आइनी और कानूनी तौर पर कौन सा ऑप्शन इख्तियार करना चाहिए। इस मामले पर सियासी, समाजी और इलाकाई सतह पर बहस और मुबाहिसे जारी हैं। हकूमती अराकीन इसको बहुत बड़ी खुशखबरी करार देते हैं। बाज़ हल्के इस मामले पर कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा का एक जिला बनाने की कोशिश की जा रही है। अबूरी सूबा बनाने से कोई कयामत भी नहीं टूटेगी। हुकूमत पाकिस्तान जो है 73 सालों से यही कुछ कर रही है, तो आगे भी 2-4 साल इसी तरह चलाएगी तो उसमें भी सूबा बनाकर कोई चीज़ नहीं होगी। अलबत्ता नए मसाइल पैदा होंगे, तो उस वक्त कौम में आज अगर 20% लोग हमारे साथ हैं तो उस वक्त 80% होंगे, और एक ऐसा वक्त आएगा उस वक्त हम कुर्बानी का काल देंगे, और मैं अपने नौजवानों से, अपने लोगों से उस वक्त के इंतज़ार का कहता हूँ। आम अवामी हलकों में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अबूरी सूबा होता क्या है, और गिलगित बल्तिस्तान को दीगर 4 सूबों की तरह सूबा क्यों नहीं बनाया जा रहा। इस सिलसिले में माहिरीन कहते हैं कि अबूरी सूबे से मुराद ये है कि गिलगित बल्तिस्तान भी मुल्क के दीगर 4 सूबों की तरह मुल्क का आइनी सूबा होगा, लेकिन कश्मीर कॉज के बायस लफ्ज अबूरी का इजाफा किया जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि गिलगित बल्तिस्तान मसला कश्मीर के हल के मरहले तक के लिए अबूरी तौर पर पाकिस्तान का सूबा है। गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबे का टाइटल मिलने के बाद क्या तब्दीलियां आएंगी, इसका इदराक तो बाद में होगा। इस वक्त इलाकाई सतह पर मिला जुला रुझान देखने में आ रहा है। बाज़ हल्के इसके हक में दलायल देते हैं तो बाज़ इसकी मुखालफत में। हाल होगा तो गिलगित बल्तिस्तान जो है नेक्स्ट फ्रंटियर का हिस्सा है, और कश्मीर जो है वो पंजाब का हिस्सा है। 3,000 मुरबा मील में न वहाँ कोई सूबा बनेगा, ना 15 लाख की आबादी का यहाँ कोई सूबा बनेगा, ना पाकिस्तान के अंदर 15 लाख आबादी और 3,000 मुरबा मील के सूबे बनाने का कोई रिवाज है। ये रिवाज इंडिया में है, दुनिया के दूसरे मुल्क अफगानिस्तान के अंदर है, छोटे छोटे मुल्क जैसे इंडिया में जो है मणिपुर है, त्रिपुरा है, आगे चलकर ये नागालैंड और ये क्या कहते हैं ये सिक्किम है, आगे गोवा है, इस तरह की वो चीज़ें छोटे छोटे सूबे हैं। इसी तरह अफगानिस्तान में जाएंगे तो छोटे छोटे सूबे हैं गिलगित बल्तिस्तान के लेवल के। पाकिस्तान में कहाँ, पाकिस्तान में सरायकी सूबा नहीं बन सका, कराची नहीं बन सका, हज़ारा नहीं बन सका, अच्छा क्वेटा और ग्वादर को जो है बलोच पख्तून के बुनियाद पर तकसीम नहीं किया जा सका, तो तुम्हारे गिलगित बल्तिस्तान के लिए किसने आगे चलकर एक सूबा रखना है। जहाँ महरूमियों की आपके बात की, वो जो हम खित्ते बेआइन से हमारा ताल्लुक है, मैंने शेर में मैंने क्या कहा है, गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन से, कश्मीर से मैं यूं मुखातिब हूं, मेरी धरती तू मेरी आबरू है, तेरी तस्वीर पे हम रूबरू है, तेरी रहनाइयों और खुशबुओं में मेरे असलाफ का शामिल लहू है, शबे जुल्मत का होगा कब सवेरा, अंधेरा ही अंधेरा चार सू है, पता ससुराल का दो तो खबर लें, मेरी माँ तू बता किसकी बहू है।